लेकिन ज्योति राणा जी, जैसा अश्विनी जी ने पूरे कानून के बारे में बताया, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सही नहीं है, पर्सनल लॉ जो अलग अलग चल रहे हैं उन्हीं को ही जारी रखा जाए? जी आशीष जी, इसमें सबका जो जैसा अश्विनी जी ने भी बताया है कि या तो किसी का पॉलिटिकल एजेंडा है या क्या मोटिव है कि इस लॉ को अपोज करना जा रहा है, जबकि इसमें एक समान वन लॉ वन नेशन की बात करी जा रही है। किसी के कोई राइट्स इसमें नहीं छीने जा रहे हैं कि आपके राइट्स इसमें इंफ्रिंज हो रहे हैं तो इस लॉ को अपोज करा जाए। तो पॉलिटिकल एजेंडा अपना सेटिस्फाई करने के लिए इस लॉ को जो भी हमारे धार्मिक संस्थान के जो जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस लॉ के ऊपर, जिसको नॉलेज है वो भी, जिसको नहीं भी नॉलेज है वो भी, इसको फेवर भी कर रहा है, इसको अपोज भी कर रहा है, विदाउट नोइंग कि इस लॉ के आ जाने से कितनी ऐसे सेक्शंस ऑफ जो वीकर सेक्शन सोसाइटी में जो लेडीज हैं, विमेन हैं, उनको कितने राइट्स हैं जो अभी तक इंफ्रिंज है, उनके राइट्स उनको नहीं मिले हैं, तो वो राइट्स उनको मिलेंगे। इसमें किसी का राइट नहीं इंफ्रिंज करा जा रहा है, किसी को कुछ छीना नहीं जा रहा है, बल्कि उनको समान अधिकार दिए जाएंगे।